सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में फ्रेंड्स आपको करेंगे तो वाईफाई पेयर करना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको अपने सैमसंग वाले फ़ोन में वाईफाई को पेयर करने के लिए सेटिंग्स ओपन कर लेना है। जैसे भी हम सेटिंग्स पे आते हैं तो आपको इंटरफेस में सबसे ऊपर दिख जाएगा कनेक्शन वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस, आप मेरा यहाँ पे वाईफाई जो पहले से अनेबल है, तो फ्रेंड्स मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद गाइस आपको दिख जाएगा कि आपके कई सारे वाईफाई आपके जो कनेक्शन है वो आपको शो हो जाएंगे आपके इंटरफेस में वाईफाई के। तो गाइस, आपको वाईफाई को पेयर करने के लिए किसी एक कनेक्शन पे क्लिक करना है। उस कनेक्शन का फ्रेंड्स आपको पासवर्ड पता होना चाहिए और गाइस आपको उस कनेक्शन का पासवर्ड एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं उस कनेक्शन का पासवर्ड मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, और फ्रेंड्स आपको मेरी तरह ही कर लेना है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कनेक्ट वाला ऑप्शन, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करके गाइज आप इसको पेयर भी बोल सकते हैं अपने अपने भाषा में। तो फ्रेंड्स आपको बैक जाकर मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब चला के, तो फ्रेंड्स आपका वाईफाई जो है पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपने सैमसंग वाले फ़ोन में वाईफाई को पेयर कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।